विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, अगर मुझे संजीव ना मिला तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, संजीव। और संजीव आपको तभी मिल सकता है जब अन्नु उसकी जिंदगी से चली जाएगी। मैं संजीव के बच्चे की मां बनने वाली हूँ और तुम संजीव की पत्नी बन बैठी। संजीव को तो मैं पाकर ही रहूंगी, फिर उसे दिखाऊंगी कि बेवफाई क्या होती है। तुम्हें उस घर को खोखला करना पड़ेगा, अन्नू खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। वो काम तो मैं कर रहा हूँ। मम्मी, हेलो अन्नू, अन्नू। मैं कल जाकर मम्मी से मिलूंगी। मेरे पास अभी भी तुरुप का पत्ता है। संजीव की गर्लफ्रेंड दीवा। जी जी, करवा चौथ का दिन एक ब्याहता के लिए कितना शुभ माना जाता है ना? आज के दिन का एक सुहागन के लिए कितना महत्व होता है, सारी दुनिया जानती है। आज के दिन शगुन आते हैं, मायके से शगुन और उपहार आते हैं, ससुराल वाले तोहफे और आशीर्वाद देते हैं, है ना? उनके लिए करवा चौथ का क्या महत्व जो ना ढंग से मायके से विदा होकर आई हो और ससुराल में जबरदस्ती का रिश्ता बनाए बैठी हो। सुनो, मैं इस बार करवा चौथ का व्रत रखने वाली हूँ। इसमें हंसने की क्या बात है? देखो, करवा चौथ का व्रत रखने के लिए तुम्हें पहले मुझसे शादी करनी होगी। ओ, क्या हुआ? लो, मैंने तुम्हारी मांग भर दी, अब मैं व्रत रख सकती हूँ। एक शर्त। क्या शर्त? शर्त ये है कि अगर तुम व्रत रख रही हो तो मैं भी व्रत रखूंगा। क्या? सब हंसेंगे तुम पर, मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। तो हंसने दो ना, अगर तुम मुस्कुराओगी ना तो सबकी हंसी मंजूर है। माइंड ब्लोइंग, क्या खाना है, वाह। साक्षी, ये चांद कब तक निकलेगा? राहुल, अभी तो बहुत घंटे बाकी है। कितने? 8 घंटे, मिनट गिना दूं? 8 घंटे भैया, ज्यादा नहीं है। समीर, मैंने कहा था ना, सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम व्रत तोड़। उन्हें हंसने दो ना। अच्छा सुनो, ऐसा
ये चांस नहीं है कि पहले चांद खुद दिख जाए। वाह, क्या रोमांटिक सीन है, माइंड ब्लोइंग। राहुल, रोमांटिक नहीं, सैक्रिफाइस, कुर्बानी। अरे अरे, क्यों समीर का मजाक उड़ा रहे हो? मैं आपको बताए, समीर भैया अनु भाभी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। अच्छा, समीर, क्या बात है? बेटा, तुम्हें एक माँ का आशीर्वाद दे रही हूँ, तुम इसी तरह जोरू के गुलाम बने रहो। और अनु, तुम्हें तो मैं मान गई, तुमने तो मेरे शेर जैसे बेटे को ना बिल्कुल बिल्ली बना दिया। इश्क हार भी है, इश्क जीत भी है, दिल का दुश्मन भी है, दिल का मीत भी है। इश्क है, इश्क है, यही इश्क है। इश्क हार भी है, इश्क जीत भी है। अनुपमा जी, आप मेरे रास्ते में खड़ी हैं। आज करवा चौथ है, शाम को घर चल दिया ना। अनुपमा, तुम शायद रिश्तों की मर्यादा को भूल रही हो। अगर यही बात आपके पति ने सुन ली तो उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को कोई दुख पहुंचे। बेटी आई है दरवाजे पर शादी करके, पहली बार आई है अपने मायके। कोई तो आओ भाई, आके
स्वागत करो इनका, आरती उतारो इनकी। काश आपकी ये भावना सच्ची होती। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहो बेटी। लगता है मेरी बेटी नाराज है मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? किसकी इजाजत से यहाँ आई हो तुम? एक बेटी को उसकी माँ से मिलने के लिए किसी के इजाजत की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी माँ नहीं है यहाँ, काशी गई है अपनी बेटी के लिए दुआ मांगने। आपकी झूठ बोलने की आदत से मैं वाकिफ हूँ पापा। जब मैंने कह दिया कि वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। एक बात याद रखिए, मेरी माँ को अगर आपने इतनी सी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपको। ओ, तुम धमकी दे रही हो मुझे? नहीं, चेतावनी दे रही हूँ, क्योंकि मैं आपको अच्छे तरह से जानती हूँ पापा। आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा पापा, अब मैं उस घर की बहू, आप हिम्मत मत कीजिएगा मेरे ससुराल पर बुरी नजर डालने। एक बात और समझ लीजिए पापा, उस परिवार के खिलाफ आपके हर वार के आगे आपको मैं खड़ी मिलूंगी। तो सपने में भी मत सोचिएगा उस परिवार का नुकसान करने की, क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ किया या सोचा भी तो मैं आपको। ये मेरी धमकी है। जो सर उठा कर जा रही हो, अब देखना घुटनों के बल रोती हुई गिड़गिड़ाती हुई इसी दरवाजे पर आओगे तुम। मेरा वादा है ये तुमसे, भवानी शंकर का वादा है, भवानी शंकर का वादा। अरे कौन हो भाई? क्या बात है भाई, कौन हो, ये कहाँ से ला रहे हो? जी जी देखिए ये आदमी क्या सामान लाया, कहाँ से आया पता नहीं। क्या है ये सब भैया, कहाँ से आए? ये सब मेरे यहाँ से आया है ओपी। भवानी तुम? Thank you.
हाँ ओपी। ओपी आज करवा चौथ है और करवा चौथ के दिन लड़की वालों के यहां से शगुन आता है। तो ठीक है, लेकिन तुम जानते हो कि मैं इन सब चीजों मैं जानता हूं कि तुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है और मैं ये भी मानता हूं कि मेरी बेटी जबरदस्ती इस घर की बहू बन बैठी। लेकिन भाभी जी, मेरी आपसे विनती है, करवा चौथ का ये शगुन कबूल कर लीजिए प्लीज। अरे अब जाने दीजिए जी, जी अब ले आए बाइगौर तो रख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। ओपी, आज तुझे कुछ और भी कबूल करना पड़ेगा। क्या? ये ये संजीव से पूछो। बताओ संजीव। ये कौन है? पापा पापा, ये रीवा है, संजीव और ये एक दूसरे से प्यार करते थे। संजीव, क्या ये सच है? तो फिर ये भाभी जी, मां बाप अपनी औलाद के सामने मजबूर हो जाते हैं।
उनकी गलतियों को देखते हुए भी उन्हें नजरअंदाज करना पड़ता है। अब अनुपमा ने जिस तरह संजीव से शादी की, मैंने अपने आप को समझा लिया था, अपने दिल को मना लिया था मैंने। और जब ये रीवा मेरे सामने आकर रोई, गिड़गिड़ाई, संजीव के साथ अपने रिश्ते की बात इसने दोहराई, तो भी मेरा दिल नहीं पिघला। लेकिन जब इसने एक ऐसी बात मुझे बताई तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। ओपी, ये लड़की संजीव के बच्चे की मां बनने वाली है। मैं नहीं जानता कि इस लड़की को यहाँ लाकर मैंने सही किया या गलत किया। हो सकता है कि मैं अपने हाथों से ही अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन मैंने ये सोचा कि इस सब में उस बच्चे का क्या कसूर, जो अब तक इस दुनिया में आया ही नहीं। इस बात ने मेरे दिल को पिघला दिया और मैं इस बिन मां बाप की बच्ची को लेकर तेरी शरण में आ गया। देखो पी, अब जो भी फैसला करना है तुझे करना है, मैंने तो बस अपना फर्ज अदा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने अपना फर्ज पूरा किया। बहुत बड़ा काम किया ना आपने। हाँ, एक सलाह देना चाहूंगा मैं आपको, अगर आप दूसरों के निजी मामलों को अपना फर्ज ना बनाए ना, तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। एक सलाह मैं भी देना चाहता हूं। इस घर के संस्कार, बड़ों की बेइज्जती और उनसे ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं देते। अरे ओपी, शांत हो जा प्लीज। मैं तेरी हालत को समझ सकता हूँ। भवानी शंकर जी, आपने बहुत अच्छा किया जो इस लड़की के बारे में सोचा। अगर आपने ये नहीं सोचा बाय गॉड कि इस लड़की को हम यहाँ पर कैसे रख सकते हैं, है ना जीजी? लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे खानदान का बच्चा दर दर की ठोकर खाए। संजीव ने जो वादा इसको किया था, उस वादा खिलाफी की वजह से हमारे खानदान की बदनामी हो, ये मैं नहीं चाहता। लेकिन आप लोग फिक्र मत करें, ये यहां नहीं रहेगी, ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी और वहीं पर अपने बच्चे को जन्म देगी। शिवा